लंदन से राहुल गांधी का फिर केंद्र पर हमला। उन्होंने कहा, मैं कैम्ब्रिज में बोल सकता हूं, देश की यूनिवर्सिटी में नहीं। तो ये बड़ा बयान राहुल गांधी का सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा, भारत में विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है, चीन का मुद्दा संसद में उठाने की इजाजत भी नहीं है। तो ये बड़ा बयान राहुल गांधी का, जहां पर उन्होंने ये कहा कि भारत में बेरोजगारी महंगाई बड़े मुद्दे हैं। तो लंदन से राहुल गांधी का ये केंद्र पर हमला, प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद के दौरान राहुल का ये बयान सामने आ रहा है। अभी दो दिन पहले ही राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान केंद्र पर हमला किया था, जिसमें उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर खतरा बताया था, अपनी जासूसी होने की बात भी कही थी। बीजेपी उन पर देश को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रही है। तो लंदन से ये राहुल गांधी का बड़ा बयान, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी इन दिनों लंदन में हैं। दो दिन पहले ही उन्होंने वहां से केंद्र सरकार पर कई हमले किए थे। एक बार फिर लंदन से ही राहुल गांधी ने फिर से सरकार पर निशाना साधा है। प्रवासी भारतीयों के सामने राहुल गांधी ने कहा कि देश में बोलने की आजादी नहीं है। राहुल ने और क्या क्या कहा आपको बताएंगे। तो राहुल गांधी का ये बड़ा बयान, अभी दो दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से केंद्र सरकार पर चौथरफा वार किया। बीजेपी ने उन पर देश को बदनाम करने की साजिश करने का आरोप भी लगाया। लेकिन इन सब बातों से बेफिक्र राहुल गांधी दो दिन बाद लंदन में फिर आक्रामक तेवर में नजर आए। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को टारगेट पर रखा और जमकर निशाना साधा। लंदन में मौका था प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद का। राहुल ने अपनी बात शुरू की तो वो केंद्र सरकार पर हमले तक जा पहुंची। राहुल ने सवाल खड़े किए कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया गया है। राहुल ने कहा, लंदन में बोलना आसान है लेकिन भारत में नहीं। And I was thinking while I was speaking over there, that it is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India. राहुल एक के बाद एक केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे। उन्होंने भारत में विपक्ष की आवाज को दबाने का भी आरोप लगाया। The reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House. राहुल ने चीन को शांति का पक्षधर भी बताया था। प्रवासी भारतीयों के सामने राहुल ने फिर यही मुद्दा जोर शोर से उछाला। The fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the house. It's a fact. It's shameful, but it's true. कैम्ब्रिज में दिए गए बयान के बाद से ही राहुल बीजेपी के निशाने पर हैं। ऐसे में अब तय है कि बीजेपी से उनकी तकरार लंबी चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।